हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ नीता शाह बरोड़ा से। अमूल के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज रिपब्लिक डे है तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं शशांक सर जादव का एंड अभिषेक सर वर्गीस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे फिफ्थ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है। आज हम रिपब्लिक डे है इसलिए हमने जो रेसिपी सिलेक्ट की है वो इंडिया को हम डेडिकेट कर रहे हैं। और आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्राई कलर काजू कतली, यानी त्रिरंगा काजू कतली। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ट्राई कलर काजू कतली, जो हम इंडिया को डेडिकेट करेंगे। तो उसके लिए मैं अपने इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया है काजू पाउडर है, जो मैंने 3 बाउल में लिया है क्योंकि मुझे 3 कलर की काजू कतली बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 75 ग्राम्स काजू का पाउडर लिया है, 100 ग्राम जितनी सुगर ली है, एक मैंने कीवी कलर लिया है ग्रीन कलर, और एक मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है। दोनों मेरे फूड कलर है। हमने सिल्वर वर्क लिया है, सिल्वर लीफ, यानी हम काजू कतली बनाने के बाद उसको गार्निश करेंगे। हमने यहाँ पे अमूल का मिल्क लिया है और यहाँ पे अमूल का घी लिया है। तो फ्रेंड्स, हम बनाने की शुरुआत करते हैं। शुगर सिरप बनाना है। वैसे मेरा शुगर सिरप का वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा पूरे मेथड से। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे प्रिपरेशन करके रखा है। ये जब सेशन खत्म होगा तब हम अपना शुगर सिरप वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। मैंने जो 100 ग्राम शुगर ली थी उसको मैंने एक पैन में लिया था और शुगर डूबे उतना ही हमने पानी डाला था, और पानी डाल के हमने थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करके रखा है। हमें ये जो शुगर सिरप है वो काजू कतली बनाने के लिए 1.5 तार यानी 1.5 स्ट्रिंग की चाशनी बनानी होगी शुगर की। जब भी हम कोई स्वीट बना रहे हैं और उसमें हमको पीस फॉर्म में बनाना है तो ऑलवेज हमें 1.5 से 2 तार की शुगर सिरप बनाना जरूरी है। तो ये जो हम बनाएंगे वो 1.5 तार की शुगर सिरप बनाएंगे। हम इसमें हल्का सा मिल्क डाल देते ताकि अगर शुगर में थोड़ा सा भी कचरा यानी मैल होगा तो वो साइड में निकल जाएगा। वैसे तो शुगर आजकल बहुत प्योर आती है तो डालने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी उसको साफ करने के लिए हम हल्का सा मिल्क ऐड करते हैं। हमने 1/2 टीस्पून जितना मिल्क ऐड किया है। जैसे जैसे शुगर बॉईल होगी तो अगर कचरा है इसके अंदर तो साइड में आ जाएगा, किनारे पे बॉर्डर पे निकल आएगा। शुगर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल भी कचरा नहीं है, इसलिए वो अच्छे से मेल्ट हो रही है और बिल्कुल भी इसमें मैल नहीं निकला है। ये चाशनी बनाने में हार्डली आपका 10 से 12 मिनट्स लगता है अगर पूरी शुगर और वाटर से आप प्रोसेस करते हो तो। हमने यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस करके रखा है
और हमारा पूरा सुगर सिरप का वीडियो यूट्यूब पे मेरा चैनल है नीता स्पेशल फूड करके, उसमें मैंने लास्ट 2 मंथ्स बिफोर वीडियो डाला हुआ है, उसकी हम लिंक आपको शेयर कर देंगे। हम जितने लेवल की सुगर ले रहे उससे हमारी सुगर सिरप हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तब तक हमारा 1.5 तरह की सुगर सिरप तैयार हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स 1 तरह की रेडी हुई है। हम जब ऐसे स्पून से देखते हैं तो नीचे से जब ड्रॉप आता है तो उसमें पीछे से एक तार छूटा अलग से दिखाई देगा, तो वो हमारा 1 तार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स हमारी 1.5 तार की सुगर सिरप बनके तैयार है। हम गैस को बंद कर रहे, साइड में से जो हमारा सुगर का वाटर लेवल जो है वो बड़ा होके नीचे गिर रहा है, दोनों साइड से मिक्स होके गिर रहा है। देखिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम दूसरा पैन रखेंगे गैस पे। अब मैं आपको बताती हूँ, हमें आज रिपब्लिक डे है इसलिए हम इंडिया को डेडिकेट करने के लिए ये ट्राई कलर सिलेक्शन किया है हमने। तो हमारा जो इंडिया का फ्लैग है ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन, तो हमें उसी तरह से काजू कतली के 3 बॉल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं व्हाइट वाला बॉल बना रही हूँ ताकि मैं सेकेंड इसी के अंदर ही दूसरे कलर का भी रेडी कर सकती हूँ। इसमें हम थोड़ा सा अमूल का घी लेंगे, 1/2 टीस्पून जितना लिया है मैंने, और ये जो मैंने 75 ग्राम कैश्यू का जो पाउडर बना के रखा था आपको सिर्फ चटनी जार जो होता है उसके अंदर डाल के उसको हमें आधा ही चलाना है, ज्यादा फुल मिक्सर को हमें नहीं चलाना है। विप बंद करते हुए हमको ये पाउडर तैयार करना है और उसके बाद आपको जो हमारी राइस की छलनी होती है उससे हमें उसको छान लेना है ताकि अंदर कोई बड़ा पीस ना रह जाए। अब हम इसमें डालेंगे वो, मैंने ये 75 ग्राम पाउडर लिया है काजू का। वैसे काजू कतली प्लेन व्हाइट होती है, केसर कतली होती है, पिस्ता कतली होती है, गुलकंद कतली होती है, अंजीर कतली होती है, और अब तो बहुत सारे फ्लेवर्स में हम खुद भी बनाते हैं, लाइक ऑरेंज कतली बनाते हैं, कीवी वाले फ्लेवर में कीवी कतली बनाते हैं। तो आपको जो फ्लेवर पसंद है उसका फूड कलर और एसेंस आता है वो आपको यूज करना होता है। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे। ये हमारी जो काजू कतली बन रही है वो हम इंस्टेंट बना रहे हैं। वैसे तो जो कंदोई लोग होते हैं वो काजू को ओवरनाइट सोक करते हैं और फिर सुबह में पानी में से निकाल के उसको अच्छे से मिक्सर में पूरा ग्राइंड करते हैं ताकि वो जो पेस्ट फॉर्म बनता है उसको फिर कढ़ाई में बहुत सेकना पड़ता है। सेकते सेकते फिर उसमें हमें शक्कर की चाशनी डाल के या शक्कर डाल के पूरा अच्छे से सेक के वो लोग काजू कतली बनाते हैं, बट वो प्रोसेस बहुत लेंदी भी होती है और उसमें हमारा नीचे का जो पोर्शन होता है काजू कतली का सेकते टाइम वो जलने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए हम ये पूरा इंस्टेंट मेथड से बना रहे हैं। और ये भी वीडियो मेरा नीता स्पेशल फूड यूट्यूब पे इंस्टेंट काजू कतली का भी हमने वीडियो रखा है। तो हम आफ्टर हमारा ये सेशन कम्प्लीट होगा उसके बाद हम उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। ये हम इसीलिए थोड़ा सा सेक रहे, रोस्ट कर रहे ताकि उसमें जो मॉइस्चर होता है काजू में वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा और निकल जाएगा। फिर ये कतली आराम से हम 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। और ध्यान में आप जब भी काजू का पाउडर बना रहे हो तो 4 पीस काजू टुकड़ा जो बोलते हैं 4 पीस कैश्यू उससे आपको बनाना है, तो वो इजीली ग्राइंड हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका बारीक ये पाउडर बन जाएगा। अगर आप पूरा जो आखा काजू आता है वो लोगे तो उसको पीसने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी।
आपको जब भी कोई नया आप पहली बार बना रहे हो तो आपको डायरेक्ट शुगर सिरप नहीं डालना है और ना ही मेजरमेंट फॉलो करना है। हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर जितना ऐड हो सकता है और पूरा बॉल बन सकता है उतना ही हमको शुगर सिरप ऐड करना है, ताकि हमारा मटेरियल भी वेस्ट नहीं होगा और शक्कर की जो चाशनी है वो भी ज्यादा नहीं होगी। तो पहले हम इसमें हल्का सा डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितना मैं डाल रही हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, मुझे तो पता है कि इसमें कितना जाएगा, बट हम स्लोली स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इससे एक प्रॉफिट ये भी होगा कि अगर आप कम शुगर पसंद करते हो तो आप कम शुगर में भी ये कतली बना सकते हो, और अगर आपको बहुत ही कम शुगर तो आप इसमें हल्का सा दूध डाल दीजिए और अच्छा सा इसको भून लीजिएगा। थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून जितना मैंने और डाला, जो मैंने 75 ग्राम काजू का पाउडर लिया था उसमें मैंने अंदाजित अप्रोक्स मैंने 2 टेबलस्पून जितना शुगर सिरप ऐड किया है। आप देखिए मेरा बॉल बनके तैयार है। ये काजू का बॉल तैयार कर दिया है। इस तरह से हमारा पूरा जो हमारा मिक्सचर है पूरा बॉल फॉर्म में आ जाना चाहिए, तो हम इजीली इसको वर्क कर पाएंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूं। इसी तरह से हम अपने दूसरे भी दोनों कलर के बॉल तैयार कर लेते हैं। एक बार देख लेना है कि हमारा पाउडर जो हमने बॉल बनाया है काजू का वो थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए, पूरा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपको ड्राई लगता है तो आप थोड़ा सा शुगर सिरप और ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें दूसरा वाला पाउडर डाल रहे हैं काजू का। इसमें हम वापस थोड़ा सा अमूल का घी ऐड करेंगे उसको थोड़ा सा भूनने के लिए। आपको इजी इंस्टेंट प्रोसेस से घर पे आप इजीली काजू कतली बना सको, इसीलिए हमने ये आज सिलेक्शन किया है रेसिपी का। और आज हमारा इंडिया का बहुत बड़ा डे है, रिपब्लिक डे है, तो मिठाई तो बनती है, इसलिए हमने सबको मीठा मुंह करवाने के लिए ये शॉर्ट एंड स्वीट रेसिपी पसंद की है। इसको भी वापस वही प्रोसेस से हल्का सा सौते करना है, उसको भून लेना है। याद रहे हम जब भी काजू कतली बना रहे या कोई भी स्वीट बना रहे तो हम जो ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हैं वो आप एकदम फ्रेश लीजिएगा। यही प्रोसेस से आप पिस्ता कतली, बादाम कतली, केसर कतली, जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हो। रोस्ट हो गया, अब हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे और इसी में हम थोड़ा हमारा जो फूड कलर है वो भी ऐड कर रहे हैं। अभी मैं ऑरेंज फूड कलर है वो डाल रही हूं। इसी में कलर और एसेंस दोनों मिक्स है, जो ऑरेंज इमल्जन बोलते वो मैंने यूज किया है, और बहुत थोड़ा आपको डालना है, ज्यादा भी नहीं डालना है।
शुगर सिरप और डालेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका ये जो मिक्सचर है बहुत ड्राई है तो आप इसमें हल्का सा मिल्क ऐड कर दीजिए। हम 1 टीस्पून जितना मिल्क भी ऐड कर रहे हैं, बट ध्यान रहे हम जब भी लिक्विड इसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो उसको अच्छे से वापस भून लेना पड़ता है। इससे क्या होगा कि हमारी काजू कतली वो ज्यादा बहुत स्वीट भी नहीं होगी और शुगर लेस भी नहीं होगी। वापस थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रहे का जो मिश्रण है वो बनके तैयार है ऑरेंज फ्लेवर का। अब इसे भी हम उसी प्लेट में साइड में रख देते हैं। एक स्पून अंदर अलग स्पून। इसे भी हम प्लेट में साइड में रख रहे हैं। अब फ्रेंड्स हम अपना तीसरा जो कलर है ग्रीन कलर उसका यानी कीवी फ्लेवर का रेडी करेंगे। हम थोड़ा अमूल का घी ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें हमारा जो तीसरा बाउल था काजू पाउडर का वो डालेंगे। हम इसको वापस रोस्ट करेंगे। पड़े पड़े थोड़ा थीक फॉर्म आ रहा है तो उसको हल्का सा पानी डाल के आप वापस बॉईल कर लीजिए। अब फ्रेंड्स हम इसमें वापस थोड़ा शुगर सिरप ऐड करेंगे और हमारा जो ग्रीन फूड कलर है वो डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी शुगर सिरप बहुत ज्यादा ठीक हो गई। मैं इसको पानी डाल के वापस थोड़ा सा गर्म करती हूँ।
इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके वापस गरम कर रहे हैं। अभी विंटर का टाइम है इसलिए पड़े पड़े शुगर सिरप बहुत ही ठीक हो जाती है, इसलिए हम इसे वापस गरम कर रहे हैं। आपको अगर लग रहा है कि शुगर सिरप बहुत ठीक हो गई तो आप हल्का सा पानी डाल के उसको एक बार बॉईल हो तब तक वापस गरम कर लीजिएगा। कुछ लोग इसमें लेमन की 4-5 बूंदे डालते हैं तो उसकी वजह से भी ठीक नहीं होता है, बट कभी कभी उसकी एक स्मेल आती है, इसलिए इजी यही है कि आप उसमें पानी डाल के उसको वापस गरम कर लीजिए। हमारी शुगर सिरप वापस तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालना है हमको। हमने वो ऑरेंज फ्लेवर लिया था फ्रूट फ्लेवर, तो ये हमने ग्रीन कलर लिया है यानी कीवी का लिया है। थोड़ा सा कलर और डालेंगे। ध्यान रहे हमें ज्यादा कलर यूज नहीं करना है। हमने इसी में हल्का सा शुगर सिरप डाल दिया और वही कलर ऐड कर रहे हैं हम। जो हमने शुगर सिरप बनाया है वो आपको अगर थोड़ा कलर डार्क चाहिए तो आप इसमें फूड कलर ज्यादा ऐड कीजिए। अभी हम थोड़ा और डाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ग्रीन कलर का काजू कतली का
जो बैटर है वो बनके तैयार है। इसे हम प्लेट में निकाल रहे हैं। इस तरह से आपका जो मिश्रण है हमारा वो बॉल फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तीनों कलर के काजू कतली का हमारा मिश्रण तैयार है, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। अब हम इसे वर्क करेंगे। तीनों कलर का हमारा रेडी है। अब हम इसे प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे ताकि वो काजू कतली सेट करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तब तक ये मिश्रण 2-5 मिनट के लिए हमारा ठंडा हो जाए। फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम उसे वर्क करेंगे। श्रेयस, तू देख, बना क्या रही हो आप? ट्राई कलर काजू कतली बना रहे हैं हम लोग। और उसके लिए हमने काजू कतली के तीनों तीन फिलिंग जो है इंडिया रिपब्लिक डे के रिलेटेड हमने बनाया है, तो ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। कैन वी प्रिपेयर द डो ऑफ ऑल द काजू पाउडर एंड देन डिवाइड इट इन 3 equal portions एंड ऐड कलर? वो भी आप कर सकते हो, बट जब हम बना रहे तभी आप इक्वली लेके उसको अलग अलग कीजिए, तो एक इजिली आप उसे अच्छे से वर्क कर पाओगे। अब जब बनाने के बाद आप डालोगे तो किसी में कलर मिक्स होगा, किसी में नहीं होगा। तो अभी हम इसको वर्क करेंगे। उसके लिए हम अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और साथ में थोड़ा सा मिल्क भी रखेंगे और घी भी रखेंगे।
अब हम पहले अपने किचन प्लेटफॉर्म को घी से ग्रीस कर देंगे। और हम जो बेलन ले रहे हैं उसको भी हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। सबसे पहले हम ग्रीन कलर वाला है जो बैटर हमारा वो लेंगे। आपको लग रहा है कि अगर आपका बैटर ड्राई है तो आप उसमें हल्का सा मिल्क जो हमने गर्म करके रखा है वो ऐड कर सकते हो। आपको ये प्रोसेस गरम गरम में ही करना होता है। थोड़ा सा भी वो ड्राई हो जाएगा तो फिर वो बैटर हमारा जो ये हमने जो मिश्रण बनाया है वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा। आपको हाथ को भी अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसको प्रेस करते हुए आपको इस तरह से रेक्टेंगल हमारा तीनों तीन लेयर सेट करना है। पहले जैसे हमने ये नीचे हमने ग्रीन कलर लिया है फिर उसको हमें थोड़ा सा बेल लेना है प्रेस करते हुए क्योंकि इसके ऊपर हमारे दूसरे दो लेयर और आएंगे। ठीक है, ये हमारा एक लेयर है हमारा काजू कतली का यानी कि कीवी फ्लेवर का ग्रीन कलर का। आप चाहो तो पान मसाला कर सकते हो, आप चाहो तो पिस्ता कलर का भी कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर व्हाइट वाला लेयर सेट करेंगे। मैं अपने हाथ को वॉश कर देती हूँ। साइड का जो प्लेटफॉर्म है उसको भी क्लीन रखेंगे ताकि उस पे कलर ना लगे दूसरा। अब हम इस पे व्हाइट वाला लेते हैं। व्हाइट वाले को भी हमें पहले हाथ से ही कर देना है, उसके बाद हमें इसके ऊपर सेट करना है। देखिए और अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि लेयर जो हम कट करेंगे वो अलग ना हो जाए। आपको लेयर दिख रहे होंगे। और इसके ऊपर हम अपना थर्ड वाला लेयर यानी कि जो हमारा ऑरेंज फ्लेवर का है वो सेट करेंगे। बट ऑरेंज वाला थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो हम उस पे मिल्क का वॉश दे रहे हैं एक बार। रेसिपी नेम ट्राई कलर काजू कतली। आपको जब भी लगे कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो आप उस पे मिल्क डाल दीजिए। बट मिल्क ध्यान रहे गरम मिल्क यूज कीजिएगा। देखिए ये हमारा टॉप जो ऊपर का लेयर है वो रेडी हो रहा है ऑरेंज कलर का यानी कि हमने ऑरेंज फूड कलर से बनाया है ये। इसको हमें प्रेस करते हुए
इसी को इसको भी वही शेप देना है जो हमने पहले दो शेप दिए हैं। अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। और हमारा जो किचन प्लेटफॉर्म है उसको हमें साफ कर देना है और उसके बाद में हमें इसको वर्क करना है। हाथ से पहले प्रेस कर देना है अच्छे से। मैं अपने हाथ फिर से वॉश कर देती हूँ। अब हम इस पे हल्का सा प्रेस करते हुए इसको फ्लैट करेंगे वापस। ज्यादा प्रेस नहीं करना है फ्रेंड्स। अब हम इस पे हमारा जो सिल्वर वर्क है वो लगाएंगे। हम थोड़ा ऑरेंज दिखाई दे उसी तरह से हमको डालना है, पूरा कवर नहीं करना है, नहीं तो हमारा ऑरेंज कलर दिखाई नहीं देगा। अब हम इसको कट करेंगे। उसके लिए पहले हम साइड की किनारे निकाल देते हैं। नाइफ को भी हम हल्का सा घी लगा देंगे। आपको जो शेप में कटिंग करना हो वो शेप में आप कर सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, बार बना सकते हो। और आपको कतली शेप देना है, एक साइड में कतली शेप देना है तो आप वो भी शेप दे सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी काजू कतली बनके तैयार है। ट्राई कलर काजू कतली बनके तैयार है। देखिए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल रहे हैं।
हम फ्रेंड्स इसको अपनी बाहर जो हमारी प्लेटिंग तैयार है उसके अंदर हम ले रहे हैं अब। फ्रेंड्स सर्व करने के लिए है ट्राई कलर काजू कतली यानी त्रिरंगा काजू कतली जो आज हम इंडिया को डेडिकेट कर रहे हैं। आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज आप इसे लाइक करके कमेंट जरूर दीजिए और अपने व्यूज यहाँ पे शेयर कीजिएगा। हम अपना काजू कतली का वीडियो एंड शुगर सिरप का वीडियो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड्स आशा है आप इसे लाइक करोगे और श्योरली आप अपने व्यूज यहाँ पे जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।